नाउ अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रॉड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स वन एंड और डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स वन एंड अलॉन्ग इट्स एक्सिस। डायग्राम से समझते अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, अपन निकालना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक रॉड है, डायग्राम दिया हुआ है अपने को, रॉड के एक एंड से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट मान लो पी है, इस पूरी रॉड की लेंथ एल है और इस पूरी रॉड पे चार्ज कितना है क्यू है। दिस रॉड कंसिस्ट चार्ज क्यू एंड लेंथ एल फ्रॉम इट्स वन एंड अलॉन्ग इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक डिस्टेंस दूर एक डीएक्स एलिमेंट कंसिडर करता हूं, यहां से एक डिस्टेंस दूर मैं यहां पर डीएक्स एलिमेंट कंसिडर करता हूं और मैं मानता हूं कि उसके अंदर चार्ज होगा से डी क्यू। तो मैं एलिमेंट्री मेथड लगाता हूं कि सर एल लेंथ में चार्ज कितना है क्यू है, तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा क्यू बाई एल, तो इस डी एक्स लेंथ में चार्ज कितना होगा, डी एक्स लेंथ में चार्ज कितना होगा क्यू बाई एल डी एक्स। इतना समझ में आ गया सर, एल लेंथ के अंदर चार्ज क्यू था, यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज क्यू बाई एल होगा, तो डी एक्स लेंथ के अंदर चार्ज क्यू बाई एल इंटू डी एक्स होगा और इसी को अपन बोलेंगे डी क्यू। क्या बोलेंगे इसको अपन? दिस चार्ज इज डिनोटेड बाई डी क्यू, क्यू एल बाई डी एक्स। इट इज क्लियर? क्या ये डी क्यू निकाल लिया। अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल इज नथिंग बट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। मान लो ये चार्ज q है, ये डिस्टेंस r है, तो मुझे पोटेंशियल अगर निकालना है तो पोटेंशियल इज नथिंग बट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम अप टू वीच वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, वहाँ तक का डिस्टेंस अपन चार्ज से ले लेंगे। तो अपन यहाँ पर अगर देखेंगे कि डी क्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा से क्या होगा, डी वी कितना होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन उससे डिस्टेंस कितनी है, उससे डिस्टेंस कितनी पी पॉइंट की एक्स। समझ में आ गया कैसे निकाला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन उससे डिस्टेंस पी पॉइंट से डिस्टेंस। तो डी डी वी क्यों लिखा, एक डी क्यू चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो दैट इज से डी वी, ये एलिमेंटल चार्ज के कारण एलिमेंटल पोटेंशियल, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया चार्ज अपॉन डिस्टेंस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना एक्स। इतना समझ में आ गया क्या? यहाँ पर अपन देखेंगे डी वी इज नथिंग बट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान समझने की कोशिश करेगा डी क्यू की वैल्यू कितनी है, डी क्यू की वैल्यू है क्यू बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स। समझ गए आप, कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पर, डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। नाउ डी वी इज नथिंग बट कितना हो गया क्यू बाई एल फोर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स अपॉन एक्स। ये सब कांस्टेंट है, द लेंथ इज कांस्टेंट, द फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, क्यू इज कांस्टेंट, सिर्फ एक्स वेरी करेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट। एक्स कहाँ से कहाँ तक शुरू करेगा, एक्स कि एक्स यहाँ से मैंने काउंट किया है, तो यहाँ से इसकी लोअर लिमिट यहाँ शुरू होगी और अपर लिमिट कहाँ खत्म होगी, यहाँ पर, क्योंकि इससे रोड कहाँ पर शुरू हो रही है। समझ रहे मेरी बात, पी पॉइंट से मैंने डिस्टेंस कहाँ से लिया, पी पॉइंट से लिया, तो पी पॉइंट से ये एक डी क्यू चार्ज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो डी क्यू चार्ज रॉड के इस एंड से लगाकर रॉड के इस एंड तक लाई करेगा, तो रॉड के इस एंड का डी एक्स कितना है, एक्स डिस्टेंस कितना है आर, और यहाँ पर पहुँचूंगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल, तो लोअर लिमिट इज आर। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है आर, यहाँ पर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स यहाँ से लिया मैंने, एक्स चूंकि यहाँ से यहाँ पे लिया था मैंने, वो अगर एलिमेंट यहाँ आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी, और एलिमेंट आपका यहाँ आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आर प्लस एल हो जाएगी, तो इट इज़ आर टू आर प्लस एल। लिमिट समझ में आ गई होगी, कई बार समझाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अपने सेम किया था, इसी प्रकार से कुछ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एल डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई बेस एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट आर टू अपर लिमिट आर प्लस एल
वी इज नथिंग बट क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught एल, अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो इट इज़ आर प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इट इज़ आर, तो वी इज़ नथिंग बट क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught एल लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज लॉग ई बेस ए बाय बी. दिस इज योर आंसर फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ रॉड अलॉन्ग इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एंड. ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे. नाउ अपन यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रॉड. फिर से अपन रॉड का लिखेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रॉड एट अ डिस्टेंस y, y परपेंडिकुलर टू द, एट अ डिस्टेंस y परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड अबव द मिड पॉइंट ऑफ रॉड. मतलब क्या, एक रॉड है, ये रॉड का परपेंडिकुलर है, तो मिड पॉइंट से y डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. क्या बोला जा रहा है, y डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, तो आप जरा ध्यान देंगे यहां पर. तो मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे एक एलिमेंट dx माना. क्या माना, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे एक एलिमेंट क्या माना, dx माना. उस dx के अंदर चार्ज कितना होगा, मैंने माना क्या, dq. तो अपन यहां पे समझते हैं कि l लेंथ की रॉड है, इसमें चार्ज q है, तो l लेंथ की रॉड के अंदर चार्ज q है, यूनिट लेंथ की रॉड में चार्ज कितना होगा, q बाय l. ठीक है, इसी को आप लेमडा भी बोलते हैं. तो dx लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा, q बाय l इंटू dx, और इसी को आपने क्या बोला, dq, q बाय l dx को क्या बोला आपने, dq, तो d वैल्यू ऑफ dq आ गई. सर इधर ही क्यों माना, इधर भी होगा, उधर भी अपन मानेंगे थोड़ी देर से, आप इधर ध्यान दो जरा. तो मुझे पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल होगा इस dq चार्ज के लिए, पोटेंशियल होगा dv 1/4 pi epsilon naught. समझ रहे हैं आप, चार्ज कितना है dq. अब अपन क्या लिखते थे, यहां पे वो डिस्टेंस लिखेंगे चार्ज से पॉइंट पी की, तो चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है, चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस ये है. तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है, हाइपोटेनस हो गया, तो ये निकलेगा कैसे, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आप समझ रहे, पाइथागोरस लगाना पड़ेगी. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के आ जाएगा. पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस निकालना, तो रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर. तो यहां पर वो डिस्टेंस पुट कर दिया अपन ने. आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ, यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 epsilon naught चार्ज अपॉन पॉइंट पी की डिस्टेंस चार्ज से. तो पॉइंट पी की डिस्टेंस चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी वी इज नथिंग बट 1/4 pi epsilon naught. क्या वैल्यू है डी क्यू की, वैल्यू कितनी है, क्यू बाई एल डी एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ गई. कहीं कहीं पे क्यू बाई एल को आप लेमडा भी बोल सकते हैं, मतलब बोल ही सकते हैं. तो यहाँ पर लेमडा से रिप्लेस कर दिया. अपन लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें भी क्यू बाई एल को आप लेमडा लिख सकते हैं. तो क्यू बाई एल को मैंने क्या लिख दिया, लेमडा. लेमडा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है. वाई वेरिएबल नियम, वाई तो फिक्स है, ये एक्स वेरी करेगा रॉड के इधर से लगाकर रॉड के उधर तक, रॉड के इधर से लगाकर रॉड के उधर तक ये वेरी करेगा. कौन कौन, एक्स वेरी करेगा, वाई वेरी नहीं करेगा. तो अब इसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करेंगे तो जो एक्स की लिमिट होगी यहां से लगाकर एल बाई टू इधर और लगाकर एल बाई टू इधर, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको ले लेंगे अपन माइनस एल बाई टू. तो इट इज माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, मिड पॉइंट के इधर साइड माइनस एल बाई टू, मिड पॉइंट के इधर साइड प्लस एल बाई टू. ठीक है, तो इतना अपन ने कर लिया. डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी,
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट लॉग ई बेस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। आप इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है, अभी आपको ये लर्न करना है, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन है मैं लिख रहा हूँ लॉग ई बेस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम लिमिट माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, मैं फॉर्मूले को यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे अपन, अब एक जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको, v इज नथिंग बट लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट की अपन ने एल बाई टू प्लस रूट ओवर ऑफ एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गई अपर लिमिट, इसी के अंदर अपन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस एल बाई टू प्लस रूट ओवर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ समझेंगे अपन लेमडा अपॉन, देखो यहाँ पर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, तो इट इज एल बाई टू प्लस ऑफ एल बाई टू। यहाँ तक देखें इसको आप ना, अपन देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रॉड, एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई फ्रॉम रॉड। मतलब क्या, ये एक रॉड है, इस रॉड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर मुझे एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसका पहला वाला केस क्लियर था आपको, एक रॉड थी चार्ज रॉड थी, उससे एक एंड से r डिस्टेंस पे क्या निकालना था, एक्सिस के अलोंग निकालना था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब परपेंडिकुलर पे निकालना है, समझ में आ गया क्या? रॉड के कारण, रॉड की चार्ज q है, लेंथ l है। तो मैंने क्या करा सर, यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस दूरी पर एक डी एक्स एलिमेंट मान लिया जिसमें चार्ज होगा डी क्यू। तो मैंने देखा सर एल लेंथ की रोड में चार्ज क्यू होगा, तो यूनिट लेंथ की रोड में चार्ज क्यू बाई एल होगा, इसको अपन लेमडा बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी एक्स लेंथ की रोड में चार्ज होगा क्यू बाई एल डी एक्स, तो इसको अपन लेमडा बोल देंगे, तो जो डी क्यू की वैल्यू होगी वो होगी लेमडा डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गई बात क्या ना? अपन जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, मान लो एक चार्ज q है यहाँ पर, उससे मेरे को P पॉइंट पे निकालना है क्या पोटेंशियल, तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा क्या, पोटेंशियल इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन q एंड P। वैसे ही मैं यहाँ पर अगर देखूंगा, मैं निकालूंगा dV, क्या निकालूंगा मैं dV, एक छोटा सा पोटेंशियल एक छोटे से चार्ज के कारण, क्या लिखूंगा मैं उसको dV, dV इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, अभी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मुझे ये चाहिए, तो ये वाई है, ये एक्स से पाइथागोरस लगा देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इट इज़ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पुट कर देंगे अपन लेमडा डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेमडा तो कॉन्स्टेंट है, लेमडा को अपन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे, या इंटीग्रेशन की जो लिमिट है एक्स से होगा, यहाँ पर वेरिएबल वाई नहीं, वाई तो कांस्टेंट फिक्स है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है एक्स, तो एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे,
तो x की जो लिमिट होगी फ्रॉम इस एंड से लगाकर यहाँ से इस एंड तक होगी, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो इधर जाऊँगा तो इसको बोलेंगे माइनस एल बाई टू, और यहाँ से शुरू करूँगा इधर जाऊँगा तो डायरेक्शन अलग है तो प्लस एल बाई टू, तो लिमिट हो जाएगी माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कि डी एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होगा लॉग, वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, लॉग ई बेस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसको आपको याद करना है, जब इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो dv का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया, dv का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, लॉग ई बेस x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस, अपर लिमिट पुट करेंगे एल बाई टू प्लस ऑफ रूट ओवर ऑफ एल बाई टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा इसको लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होगा तो मैं इसको लॉग ए बाई बी डायरेक्टली लिख दूँ, क्योंकि माइनस आना जरूरी है। यहाँ पर क्या होता है, अपर लिमिट पुट कर दिए जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एल बाई टू पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट होती है तो माइनस की जगह पे मैं क्या लगा दिया अपॉन, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज लॉग ए बाई बी, तो दिस लॉग धीस बाई लॉग धीस, तो लॉग ए बाई बी, तो यहाँ पर माइनस पुट करूंगा दैट इज माइनस एल बाई टू प्लस रूट ओवर, यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ऑफ माइनस पुट कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो v इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस। अब यहाँ से एक काम करते हैं अपन, पूरे में से एल बाई टू कॉमन निकालते हैं, मैं एल बाई टू कॉमन निकालता हूँ, नीचे से भी मैं क्या करता हूँ एल बाई टू कॉमन निकालता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस, समझने की कोशिश करिए, ऊपर से एल बाई टू कॉमन निकाला तो एल बाई टू यहाँ पे 1 बचेगा, एल बाई टू यहाँ से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ चूंकि एल बाई टू है नहीं तो यहाँ पर 2 बाई एल का मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई एल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, L बाई टू पूरे में से कॉमन निकाला तो यहाँ तो 1 बज गया, यहाँ पर भी 1 बज गया क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर चले जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे L बाई टू नहीं है तो 2 बाई L का मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या करूँगा, मैंने L बाई टू नीचे से कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस ऑफ रूट ओवर, यहाँ पर तो यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस रूट ओवर 2 वाई बाई L का होल स्क्वायर। इतनी कहानी आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, L बाई टू से L बाई टू कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर सही था, मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये भी सही आंसर है, यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है पर मैं उसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो v इज़ नथिंग बट लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस। ठीक है, तो इट इज़ 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन इसको लिखने के पहले, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इफ़ l इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन y, इफ़ l इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन y, मतलब कि यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को बात करूँ, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को लेके बात करूँ, यहाँ पर कंडीशन लगा दी, मैंने कंडीशन लगा दी, यहाँ तक तो आंसर आपका सही है, अगर ऐसा कंडीशन बोल दे कि इफ़ l इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब लेंथ ऑफ रोड इज़ वेरी बिग और डिस्टेंस क्या है बहुत कम है, तो यहाँ पे कंडीशन अपन ने लगा दी, कंडीशन के अंतर्गत अपन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। अगर कंडीशन लगाने को बोले तो कंडीशन अगर ये हो जाती है तो फिर अपन क्या करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है एक्चुअली 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर क्या है हाफ, क्या है ये एक्चुअली 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर क्या है हाफ, ये बियॉन्ड एडवांस लेवल के कंसेप्ट से, ये कभी बोर्ड्स में नहीं आएंगे, कभी मेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, ये एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, तो इट इज़ 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बायनोमियल एक्सपेंशन अगर मैं यूज़ करूँ तो ये पावर कहाँ जाती है डिवाइड में, तो इट इज़ 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन, अगर यहाँ पर एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है तो इट इज़ रिटर्न एज 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि यहाँ पर L बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत कम,
ये क्वांटिटी अगर बहुत कम है तो ये 1/2 को आ जाएगा आगे, अगर 1/2 आगे आ जाएगा तो यह 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2/L². तो ये समझ में आ गया है कि 1/2 आगे आ जाएगा यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा y²/L², तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन से इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख पाऊंगा, v = λ/4πε₀ log e^1, इसको लिख दूंगा मैं प्लस 1+2y²/L² जो रूट वाली पूरी जो रेड मार्क वाली क्वांटिटी थी, इस पूरी क्वांटिटी को मैंने ये लिख दिया है ठीक है, अपॉन अपॉन -1, इस पूरी क्वांटिटी को भी मैं क्या कर दूंगा ये लिख दूंगा प्लस 1+2y²/L², तो ये दोनों कट गए। v इज नथिंग बट λ/4πε₀ log e^1+1 2+2y²/L² / 2y²/L² यहां पे ध्यान देंगे ये l बहुत बड़ा है, ये बहुत ज्यादा है और ये पूरा क्या हो जाएगा कम, तो ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी तो 2 में जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन क्या कर देंगे नेगलेक्ट, 2 में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस, 2y l बहुत ज्यादा है, y बहुत कम है, तो ये पूरी क्वांटिटी बहुत कम हो गई, तो ये क्वांटिटी बहुत कम हो गई तो 2 में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं सिर्फ क्या लिख दूंगा 2। ये बात समझ में आ रही सर, यहां से भी नेगलेक्ट कर दो बेटा, यहां पर किसी के एडिशन में नहीं है ये, किसी के सब्ट्रैक्शन में नहीं है ये, किसी के डिवाइड में है तो बहुत फर्क पड़ेगा, ये किसी के एडिशन में है तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि 2 में अगर मैं 0.1 जोड़ूंगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 के डिवाइड में अगर 0.1 करूंगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो यहां पर इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी क्वांटिटी अगर छोटी है वो एड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो इसको यहां से अपन ने क्या कर दिया नेगलेक्ट, क्यों नेगलेक्ट, एल इज वेरी ग्रेटर, एल स्क्वायर और बड़ा हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई बहुत छोटी, तो इस पूरी को अपन क्या लिख देंगे सिर्फ 2, तो यहां पर ये हो जाएगा v = λ/4πε₀ log e^1, सिर्फ 2 हो जाएगा यहां पर, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा एल बाय वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये जब भी पावर होती है लॉग की तो पावर कहा जाती है आगे पता ही आपको, तो यहां पर ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और ये 2 4 से कट जाएगा, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा मैं यहां पे लिख देता हूं v = λ/2πε₀ log l/y, ये कब, जब लेंथ ऑफ रॉड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इट इज क्लियर, क्या लिखें इसको आप, ना अपन देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, कहां पे निकालना पोटेंशियल सेंटर पे, मेरे पास एक चार्ज रिंग है, ये एक रिंग है, इसके सेंटर पे मुझे क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने क्या किया यहां पर r, इसकी रेडियस कितनी कैपिटल r, तो यहां पर मैंने एक एलिमेंट मान लिया कितना dq, क्या मान लिया मैंने dq, तो इस dq के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा मान लो dv, कितना होगा 1/4πε₀ dq/r, ऐसे यहां पर बहुत सारे dq चार्जेस होंगे, तो मैंने क्या करा इसको इंटीग्रेट किया, तो जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है सेंटर पे 1/4πε₀, r भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ dq का, r भी क्या है कांस्टेंट है, तो जो dq 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 ऐड होगा उन सारे dq के डिस्टेंस भी क्या है कांस्टेंट, सारे dq के डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो जो dq का सम होगा dq dq मिलके कंप्लीट रिंग का चार्ज हो जाएगा, द कंप्लीट रिंग ऑफ द चार्ज इज गिवन टू अस दैट इज q, तो सारे dq जुड़ के क्या बन जाएगा टोटल चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज q, तो पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल जो रिंग के कारण सेंटर पे होगा इज नथिंग बट q बाय r, अपन ऐसा ले सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4πε₀ चार्ज टोटल ऑफ रिंग अपॉन रेडियस ऑफ रिंग,
मतलब एक रिंग है, चार्ज रिंग है, तो उसका जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वो होगा 1/4π0 टोटल चार्ज ऑफ द रिंग अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग। यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटा सा एलिमेंट माना था डी क्यू, चूँकि हर डी क्यू की यहाँ से डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है तो उसको कॉन्स्टेंट को बाहर रखा। डी क्यू मतलब समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, ऐसे छोटे छोटे सारे चार्जेस का जो समेशन होगा वो टोटल चार्ज में कन्वर्ट होगा, टोटल चार्ज रिंग का कितना है क्यू। तो एक पोटेंशियल निकाला है एक रिंग का, एक चार्ज रिंग का, सेंटर पे वो आ गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक, इसको लिखिए आप। यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर। यहाँ पर अपने पास एक चार्ज रिंग है जिसका रेडियस कितना है, आर है। यहाँ से एंगल फाई लिया अपन ने, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एंगल डी फाई। डी फाई पे छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे डी एक्स ले लिया। समझो क्या बोला है, कंसिडर द चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर जिसका रेडियस कितना है, आर है। लेट द चार्ज ऑन दिस रिंग बी वेरिंग। इस रिंग पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अपन डायरेक्टली जो भी फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने वो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। चार्ज इज कैसा है, लेमडा बराबर जो है लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई है, वेयर लेमडा नॉट इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, फाई से एज्यूमिथल एंगल, ये आपका एज्यूमिथल एंगल है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग। ये डायग्राम दिया हुआ होगा आपको, और सेंटर पे आपको इस रिंग के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से फाई एंगल पे डी फाई एंगल मान लिया, यहाँ पे ये डी एक्स मान लिया। ये डी एक्स कितना होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज आर, रेडियस लिख लो। तो एंगल इज वॉट, डी फाई, इतने की बात कर रहे हैं अपन, तो डी फाई इज द एंगल एंड आर्क इज डी एक्स एंड रेडियस इज आर। तो डी एक्स की जो वैल्यू वो कितनी हो गई, आर डी फाई हो गई। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसको अपन ने क्या बोल दिया, यूनिट लेंथ में, एक्चुअली यहाँ पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो क्या है, लेमडा। व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस रिंग के जो यूनिट लेंथ में चार्ज है, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, रिंग के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, तो लीनियरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लेमडा है। तो जो डी एक्स लेंथ में चार्ज होगा कितना होगा, लेमडा डी एक्स, और यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा, आर डी फाई के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लेमडा आर डी फाई। ये आपका डी क्यू चार्ज हो गया, इसके अंदर चार्ज मैंने मान लिया डी क्यू। आपको समझ में आ रहा होगा डी क्यू चार्ज की वैल्यू हो गई आर डी फाई। एक्चुअली आपको समझ में आता है यार बेटा कि यूनिट लेंथ में लेमडा है तो डी एक्स लेंथ में लेमडा डी एक्स होगा, और लेमडा डी एक्स चार्ज किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू कितनी, आर डी फाई। तो इस प्रकार से डी क्यू की वैल्यू आ गई। इट इज़ क्लियर क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल फॉर्मूला कितना है, 1/4π0 डी क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस इज आर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन वी हो जाएगा 1/4π0 आर कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी क्यू का होगा। तो वैल्यू डी क्यू की पुट करेंगे, 1/4π0 आर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, डी क्यू क्या है, इतना लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ना यार अपन, क्यू इज इक्वल टू लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई आर डी फाई, कॉस स्क्वायर फाई आर डी फाई, आर डी फाई। ठीक है, ये कहाँ तक रिंग वेरी करेगी, 0 डिग्री से लगाकर 2π तक, पूर्व तरह की रिंग बनेगी। तो ये फाई की जो वैल्यू लिमिट है वो 0 से लगाकर 2π होगी, 2π मतलब 360, 0 से लगाकर 2π होगी तब जाके कंप्लीट रिंग बनेगी ये। तो इट इज़ फ्रॉम 0 to 2π, लिमिट समझ में आ गई क्या, ये एंगल वेरी करना चाहिए 0 से 2π तक, जाके कंप्लीट रिंग बनेगी 360 डिग्री की। आर बाहर आ जाएगा तो आर से आर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4π0, वो आर यहाँ पर आ गया और इस आर से वो कट गया। ठीक है, अब लेमडा नॉट भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर फाई डी फाई 0 से 2π। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। यहाँ पर मेरा फिजिक्स खत्म हो गया है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी। ठीक है, आप जब इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाई की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पर कॉस 2θ का जो होता है वो होता है 1 - 2 cos²θ। तो इट इज़ 2 cos²θ कितना हो जाएगा, 1 + cos²θ। ठीक है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो जाएगी 1/2 वन प्लस कॉस टू थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई को मैं पुट कर देता हूँ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, कितना हो जाएगा 1/2, 2 को मैं बाहर डाल देता हूँ, 1/2 मैं 2 को बाहर लिख दूंगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू फाई, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कॉस टू थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपको ये सब मैथमेटिक्स में समझ में आ जाएगा, मेरा काम सिर्फ करके दिखाना है, करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्यों नहीं होता है कॉस स्क्वायर फाई का, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस के अंदर अगर ज़्यादा मैथमेटिक्स लग रही है फिजिक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, मतलब समझ लो वो क्वेश्चन एडवांस का है या फिर अबव एडवांस के अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा सा कम लेवल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मेंस का, ठीक है। जितने के भी अंदर मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है वो आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवांस लेवल का इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर अपन अच्छे लेवल की पढ़ाई करेंगे तो अपन आराम से मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में जैसे 1 का x के रेस्पेक्ट में x होगा, फाई के रेस्पेक्ट में फाई होगा, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, साइन 2 फाई, और 2 का आएगा डिवाइड में, तो ये 2 डिवाइड में आ गया फ्रॉम 0 से 2 पाई। तो इतनी सारी चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है। अब v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेमडा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस 1/2। यहाँ पर मैं 2 पाई पुट करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 4 पाई। ये अपर लिमिट पुट कर ली, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की जगह पर 0 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू 0। साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो ये लोअर लिमिट तो क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। v इज इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। साइन कोई भी पाई हो, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन n पाई क्या होता है, 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बचा, 2 पाई, पाई से पाई कट गया, तो इट इज़ लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। तो ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, मैं बता देता हूँ फिर से। कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो उसको अपन क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने 1/2, 1 प्लस कॉस टू फाई। तो 1 का हो जाएगा 5, 5 के रेस्पेक्ट में, कॉस टू फाई का हो जाएगा साइन 2 फाई अपॉन 2 डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अपर लिमिट पुट करी 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आ गया, साइन 4 पाई हो गया, 4 पाई 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करने पे सब 0 हो गया। तो सिर्फ आपके पास पाई 2 पाई बचा, 8 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, तो लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। इट इज अ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग एज लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई। लिखो इसको आप, नौ अपन देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। मान लो ये चार्ज रिंग है, क्या है ये, दिस इज अ चार्ज रिंग जिसका चार्ज कितना है, क्यू है, उसके एक्सिस पे एक डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे निकालना है मुझे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो ये एक चार्ज रिंग है, इसकी एक्सिस पे एक डिस्टेंस दूरी पे मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके अंदर कहाँ कहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे पूरे पे चार्जेस है, तो मैं बोलूँगा हर, मान लो ये वाला चार्ज है, तो इस चार्ज की जो डिस्टेंस है ये, वैसे ये चार्ज की डिस्टेंस, ये हर चार्ज की डिस्टेंस क्या है, बराबर है, क्यू बराबर है। अगर मैं देखूंगा तो इसकी रेडियस क्या है, आर। मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल कैसे निकालता हूँ मैं, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो इसके अंदर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, वैसे यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, हर जगह चार्ज है। जैसे कि ये एक्सिस है, तो इस चार्ज की जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस है कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन, √r² + x²
वैसे इस चार्ज की डिस्टेंस भी कितनी होगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये है मेरा कि मान लो ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी एक्सिस है, मेरे को इस पॉइंट पे निकालना पोटेंशियल। तो ये चार्ज है मान लो DQ, इस DQ चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे इस चार्ज की भी कितनी होगी, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से पाइथागोरस लगा दो, हर जगह से पाइथागोरस लगाओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा और ये हमेशा क्या होगा उसका हाइपोटेनियस। ये कितना है आर, ये कितना है आर, ये कितना है एक्स, ये कितना हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मोशन करवाते रहो, हमेशा ये कितना रहेगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सारे चार्जेस की डिस्टेंस क्या है यहाँ से बराबर है। तो जो पोटेंशियल लिखूंगा मैं लिखूंगा 1/4π ε0। सारे चार्जेस का सम कितना होगा, क्यू के बराबर। डी क्यू चार्ज सारे जुड़ेंगे पूरी रिंग के, तो क्या मिलेगा टोटल चार्ज। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन टोटल चार्ज अपॉन हर चार्ज की डिस्टेंस क्या है बराबर, यहाँ से डिस्टेंस क्या है बराबर, तो सब चार्ज की डिस्टेंस लिख दी अपन ने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अपन ने यही पढ़ा था पोटेंशियल, क्या पढ़ा था 1/4π ε0 सारे चार्जेस Q1 अपॉन उससे डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, समझने कोशिश करें, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे P पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है R1, ये डिस्टेंस कितना है R2, ये डिस्टेंस कितना है R3। तो अपन पोटेंशियल क्या लिखते थे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। मतलब कहने का मतलब है पोटेंशियल इज नथिंग बट 1/4π ε0 समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस अपॉन डिस्टेंस QIRI, वेयर I इज फ्रॉम 1 to n। मतलब कि यहाँ पे Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, यहाँ पे सारे चार्जेस कितने हैं, DQ अपॉन दिस डिस्टेंस, DQ अपॉन दिस डिस्टेंस, DQ अपॉन दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो सारे DQ जुड़ के क्या बनेंगे, कंप्लीट चार्ज। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, कहाँ पर, एक्सिस पे, कहाँ पर, चार्ज रिंग की एक्सिस पे ये क्या है, पोटेंशियल है। समझ में आ गया क्या, क्योंकि सारे चार्जेस का सम कितना है, क्यू के बराबर। क्या लिखेंगे अपन, मान लो V लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4π ε0 DQ चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कितने सारे चार्जेस हैं, तो सारे DQ को मैं जोड़ूंगा, डिस्टेंस तो सेम है, डिनोमीटर पूरा सेम है, सारे DQ को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कंप्लीट Q। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया है, दिस इज द पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे अगर ग्राफ बनाना है, मान लो क्या बनाना है तो देखो क्या होगा, ये एक्स बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। मतलब कि एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। एक्स अगर जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल कहाँ पे आ जाएगा, रिंग के सेंटर पे। रिंग के सेंटर पे अगर एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होता है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग अगर ये जीरो हो जाता तो अपन निकाला भी है 1/4π ε0 चार्ज ऑफ रिंग अपॉन रेडियस ऑफ रिंग। ये पढ़ा था अपन ने, देखो एक्स को जीरो पुट करो यही मिलेगा आपको 1/4π ε0 क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल सेंटर पे मैक्सिमम होता है, सेंटर से जैसे ही मैं इधर साइड आऊँगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जैसे ही सेंटर से मैं इधर साइड जाऊँगा तभी पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऐसा कर्व बनेगा, ये क्या है आपका एक्स बराबर जीरो, मतलब ये क्या है सेंटर, और सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा विच इज़ मैक्सिमम। तो ये वी वर्सेस एक्स कर्व है, सेंटर पे मैक्सिमम, एक्स रिंग, ये आपकी रिंग है, रिंग के इधर साइड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, रिंग के इधर साइड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, सेंटर में जो पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम होगा। दिस इज पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व। यहाँ पर एक्स जीरो है, एक्स जीरो का मतलब ये क्या है सेंटर है, यहाँ पर एक्स जीरो है, जीरो मतलब यहाँ पर क्या है सेंटर है, ये पोटेंशियल एट सेंटर विच इज मैक्सिमम। ठीक है, इसको लिखें आप, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है देर आर टू थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक का रेडियस कितना है आर, हर एक का रेडियस कितना है आर। ठीक है, हुज एक्सेस आर कॉन्साइड, दोनों की एक्सिस क्या हो रही है, कॉन्साइड हो रही है। ये ऐसी एक रिंग है, एक रिंग ये है, दोनों की एक्सिस क्या है, कॉमन एक्सिस है। ठीक है, एक का चार्ज प्लस क्यू है, अगले का चार्ज माइनस क्यू है, मैंने पहले को नाम दे दिया ए और दूसरे को नाम दे दिया बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिंग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है ए, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इतना अपन पहले करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अपन, मान लो
ठीक है, तो पहले तो पोटेंशियल निकालेंगे, तो मैं निकालता हूं यहां पर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए, ए के सेंटर पे कितना पोटेंशियल है मैं वो निकाल रहा हूं, डिनोटेड बाय वी ए, वी ए इज अ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए। तो यहां पर इस खुद की रिंग का पोटेंशियल होगा, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए ड्यू टू इट्सेल्फ, खुद के कारण होगा, ड्यू टू इट्सेल्फ प्लस, एक तो खुद का पोटेंशियल होगा, खुद के सेंटर पे एक रिंग है, खुद के सेंटर पे पोटेंशियल होगा आपने पढ़ा था। अब इस रिंग का भी यहां पर पोटेंशियल होगा, अपने ये भी पढ़ा था कि एक रिंग का एक्सिस पोटेंशियल क्या होता है, तो यहां पर एक और चीज होगा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए ड्यू टू बी, बी के कारण कितना पोटेंशियल होगा ए के सेंटर पे। एक तो खुद का एक रिंग है उसका खुद का पोटेंशियल सेंटर पे, और एक रिंग दूसरी जगह पर है तो उसकी एक्सिस पे पोटेंशियल होगा यहां पर। तो वी ए, तो क्या फॉर्मूला है यहां पर पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल का सेंटर पे, तो 1/4πε0 कितना चार्ज है क्यू अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है आर, तो ये हो गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए ड्यू टू इट्सेल्फ प्लस, ये पहले वाला हो गया। अब दूसरे वाला ब्रैकेट क्या है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए ड्यू टू बी, तो ये एक्सिस है, एक्सिस पे कितना दूर है ये, इतना दूर है, तो अपन ने देखा था ये कितना होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन ने यही पढ़ा था 1/4πε0 अभी डिराइव किया था अपन ने। टोटल चार्ज, चार्ज को अपन माइनस विद साइन रखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखा और यहाँ पर नेगेटिव है तो अपन नेगेटिव रखा, अपॉन डिस्टेंस सारे चार्जेस की कितनी होगी, ये सॉरी ये ए है, जो एक्स था वो अपना यहाँ पर ए है, तो समझ में आ गया रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात समझ में आ गई क्या, यही पढ़ा था अपन ने एक्सिस पे, तो ये बी के कारण ए के सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो ही आ गया। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया, पोटेंशियल एट ए हो गया ठीक है क्यू अपॉन 4πε0 वन बाय आर माइनस वन बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एट ए, दिस इज द पोटेंशियल एट ए। नाउ अब मैं निकाल रहा हूं नई चीज, यहां पर मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ बी, इसको भी लिखेंगे तो पोटेंशियल एट बी, तो सिमिलर वे में पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ बी ड्यू टू इट्सेल्फ, सही बात है, खुद के कारण निकालेंगे और ए के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ बी ड्यू टू ए, किसके कारण, ए के कारण, तो निकालेंगे अपन क्या, वी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वी बी, खुद के सेंटर पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज, चार्ज कितना है माइनस क्यू अपॉन आर प्लस 1/4πε0, इसका चार्ज कितना है क्यू अपॉन, ये वाले डिस्टेंस भी कितनी है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्सिस पे निकालेंगे तो इट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एट बी को अपन सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, पोटेंशियल एट बी इज नथिंग बट 1/4 क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 ठीक है, इसको पहले लिख देंगे अपन कितना हो जाएगा पॉजिटिव वाले को 1/√ ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/r, दिस इज द पोटेंशियल एट बी। अब नाउ मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, तो वी बी माइनस अगर मैं वी ए करता हूं तो कितना आता है क्यू अपॉन 4πε0 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा, अब मैं इसको पहले लिखूंगा 1/√ ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/r, क्या करना है माइनस करना है ए वाले को, तो ये माइनस का हो जाएगा 1/r
और ये प्लस का हो जाएगा वन अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप खुद करके देखिएगा। तो वी बी माइनस वी ए जो हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये और ये सेम हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इट इज टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू अपॉन आर हो जाएगा। तो वी बी माइनस वी ए में से फिर टू कॉमन निकाल लीजिएगा, तो टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन आर, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। नाउ क्या बोल दिया है, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज क्यू नॉट, एक क्यू नॉट चार्ज रखा गया है फ्रॉम फर्स्ट रिंग टू द क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है। तो ये क्या हो गया फाइनल, ये क्या हो गया इनिशियल। तो अपने क्या पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, यही पढ़ा था वर्क डन इन मूविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनादर। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट इज नथिंग बट वी बी माइनस वी ए, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर वी बी पर, फाइनली मैं वी बी पर हूँ बी पर हूँ, इनिशियली मैं कहाँ पर हूँ यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस में मैं लिखूँगा फाइनल पोजिशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजिशन का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी विच इज़ फाइनल पोटेंशियल एट ए विच इज़ इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट इज वॉट चार्ज। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर नेट टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन अगर मुझे निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट क्यू नॉट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो वी बी माइनस ऑफ वी ए, तो ये जो आ जाएगा आपका वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकाला मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अगर मैं क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क अगर निकालना है तो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट क्यू नॉट का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज टू क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन, सॉरी यहाँ पे रूट है, रूट लगाना मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, तो रूट लगा देना यहाँ पर, ठीक है। कहीं कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती तो आप ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपॉन आर, दिस इज यूर फाइनल आंसर। इट इज क्लियर टू यू। वर्क डन कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल मतलब कैसे पता पड़ेगा फाइनल क्या है, बोल के दिया फर्स्ट रिंग से सेकंड रिंग पे जा रहे हैं तो ये वाला इनिशियल हो गया ये वाला फाइनल हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन समझ में आ गया, वर्क डन मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा, ए से बी जा रहा, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमेशा रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली यही होता है, वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन मूविंग यूनिट चार्ज। तो ये क्यू नॉट डिवाइड में आ गया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, लिखें इसको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, इस बार रिंग नहीं है, क्या है डिस्क है, डिस्क के इसकी रेडियस कितनी है आर, चार्ज कितना है क्यू पूरे पे, इसकी डिस्टेंस एक्स पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। रिंग में क्या था कि सारे चार्जेस कहाँ पर थे, पेरीफेरी पे थे, सारे चार्जेस कहाँ पर थे, सर्कमफेरेंस पे थे, सबकी डिस्टेंस क्या आती थी, बराबर आती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार्जेस यहाँ पे नहीं होके इंटायर बॉडी के अंदर चार्ज होंगे, कंप्लीट बॉडी के अंदर चार्ज है, यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे होलो स्पेस पे नहीं थे, कहाँ पे थे यहाँ पर थे, यहाँ पे चार्जेस कहाँ पर होंगे, पूरी एंटायर सरफेस पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी, देखो यहाँ की डिस्टेंस अलग, अगर यहाँ पर चाहो तो डिस्टेंस ही अलग हो जाएगी, पर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन सबसे डिस्टेंस क्या थी, कौन कौन एक कौन बन रहा था, तो ये सब कौन की जो ये स्लांट्स होती है सब क्या होती है, बराबर होती है, तो यहाँ पर डिस्टेंसेस क्या थे, चार्जेस के सेम थी, लेकिन
यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, हर डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट एज्यूम करना होगा। क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट। आपको पता है ये डिस्क के अंदर मैं क्या एज्यूम करता हूँ, मैं एक रिंग एज्यूम करता हूँ। अभी तक समझ में आ गया होगा एलिमेंट लेना आपको, ठीक है। ये एलिमेंट ले लिया मैंने, डिस्क रिंग जिसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी वाई और थिकनेस मान ली कितनी मैंने डी वाई। द रेडियस ऑफ द रिंग इज वाई एंड द थिकनेस इज डी वाई। तो अब मैं रिंग को मान लूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इस रिंग के लिए, इस रिंग पर मैंने चार्ज कितना मान लिया डी क्यू। तो इस डी क्यू चार्ज के लिए जो रिंग का पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, पता है ना, डी क्यू अपॉन। इन सब डी क्यू की डिस्टेंस तो सेम होगी अब, क्योंकि मैंने एक रिंग मान ली है, एक रिंग मान लिया, डी क्यू डिस्टेंस सेम होगी। तो कितनी हो जाएगी, रूट ओवर एक रिंग के कारण पोटेंशियल अपन ने पढ़ा था, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था। तो एक डी क्यू चार्ज, एक डी क्यू चार्ज की रिंग है डी क्यू, इस पूरे के अंदर चार्ज कितना है, इस इंटायर रिंग के अंदर जो चार्ज है वो डी क्यू है, इस पूरी स्ट्रिप ऑफ रिंग के अंदर चार्ज डी क्यू है, जिसकी रेडियस वाई है, डिस्टेंस एक्सिस की एक्स है, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इस एलिमेंटल रिंग के कारण एक एलिमेंटल पोटेंशियल डी वी होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में अपने को आ गई है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे मैं डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे रिंग के अंदर और रॉड के अंदर मैं बात करता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वहाँ लाइन के ऊपर चार्ज होता है, रिंग के अंदर भी पेरीफेरी मतलब सर्कमफेरेंस के अंदर चार्ज होता है 2πr के अंदर। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो लाइन के अंदर नहीं रहेगा, लीनियर नहीं होगा, ये सरफेस पे होगा। तो यहाँ पर आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्या आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ एरिया, इसका एरिया मैंने मान लिया कितना डी ए। तो डी ए एरिया कैसे निकालूंगा, इस रिंग को मैं कट करूँगा तो क्या बनेगी, एक ये खोलूंगा तो क्या बनेगी, ये एक रॉड, रॉड जिसकी लेंथ होगी कितनी सर्कमफेरेंस के बराबर, तो 2πy, इसकी रेडियस वाई है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2πy, थिकनेस कितनी मानी इसकी मैंने dy। तो जो एरिया होगा इसका हो जाएगा 2πy लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया क्या एरिया। तो मैंने बोला तो सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज कितना है डी क्यू अपन एरिया कितना है डी ए। तो जो चार्ज होगा डी क्यू वो कितना हो जाएगा, द चार्ज डी क्यू बिकम्स सिग्मा डी ए। सिग्मा इज गिवन टू अस, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू बिकम्स सिग्मा इंटू 2πy डी वाई। इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो जो डी वी की मैं बात कर रहा हूँ वो हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा इंटू 2πy डी वाई अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करा, डी क्यू की वैल्यू अपन ने क्या कर दी, पुट कर दी। तो डी वी इज इक्वल टू 2πy से ये कट जाएगा, तो इट इज सिग्मा अपॉन 2ε0 वाई डी वाई अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेट और इंटीग्रेट। ये वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, क्योंकि एक छोटी रिंग, फिर एक बड़ी रिंग, फिर बड़ी रिंग, एक रेडियस आर की रिंग हो जाएगी। तो सारी रिंग को सम अप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, डिस्क। एक छोटी रिंग, फिर बड़ी रिंग, सबको मिला दूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे डिस्क मिलेगा। तो कहाँ तक की रेडियस, जीरो रेडियस लगाकर आर रेडियस की सारी रिंग मेरे को चाहिए। तो द वाई का जो लिमिट है, वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, द रेडियस वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। एक्स यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, एक्स तो एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, एक्स इज ए पॉइंट विच इज फिक्स्ड हियर, इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर अपने इंटीग्रेट कर दिया, जीरो से आर लिमिट लगा दी, यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट है। तो डी वी का तो इंटीग्रेशन वी हो गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आप पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर मान लिया, एक्स कॉन्स्टेंट है जीरो, इंटीग्रेशन हो गया, वाई स्क्वायर का 2y हो गया किसके रेस्पेक्ट में, dy के रेस्पेक्ट में, और t का हो गया 2t dt, ठीक है। तो इट इज y dy बिकम्स t dt, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो जो v इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा y dy को, y dy कैन बी रिप्लेस बाई t dt अपॉन, अब रूट के अंदर मुझे t स्क्वायर पुट करना है,
तो टी स्क्वायर रूट में आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ टी, तो ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ डी टी बचेगा। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगी, यहाँ पर वाई की लिमिट जीरो थी, तो अगर मैं वाई को जीरो पुट करता हूँ तो एक्स एक्स इक्वल्स टू टी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट क्या बचेगी, एक्स टी की लिमिट, जैसे ही वाई को जीरो, जैसे ही वाई को मैंने, वाई की लिमिट थी है, तो वाई को मैंने जीरो पुट किया तो जो टी की लिमिट आ गई वो टी स्क्वायर बराबर एक्स, मतलब टी बराबर एक्स हो गया। जैसे ही मैं वाई को क्या पुट करूंगा, आर पुट करूंगा, तो जो टी है वो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ, समझ में आ रही बात क्या, जैसे ही मैंने वाई को क्या पुट करा, आर पुट किया, तो इट इज आर स्क्वायर, तो टी की लिमिट आ जाएगी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, फ्रॉम लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो v बिकम सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट एक्स। ये आपका पोटेंशियल हो गया एक डिस्क का, उसकी एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है वहाँ पर, लिखें इसको आप।